नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं NavBharatTimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी है, हवा चली हुई है और बहुत तेजी के साथ होते होते 3 चरण का चुनाव देश में हो चुका है और चौथे चरण का चुनाव अब होने वाला है। ऐसे में बड़े बड़े नेता सामने आकर अपना विचार रख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी विशेष शख्सियत मौजूद हैं जिनका अपना एक राजनीतिक कैरियर, या मैं कहूं कि राजनीतिक हस्ती बड़ी भरी पूरी रही है, बड़ा भरा पूरा अनुभव रहा है और वो तीन पार्टियों, दो पार्टियों में आना जाना भी इनका लगा है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना रिच है और वो एक बहुत जहीन इंटेलेक्चुअल वर्ग से भी आते हैं, इसलिए उनकी बात का महत्व तो बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के और देश के जाने माने नेता श्री संजय निरुपम जी का। पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर उनसे बात कर पता लगाएंगे कि वो विभिन्न मुद्दों पर क्या विचार रखते हैं। नमस्कार सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है NavBharatTimes.com के। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आप भी पत्रकार का एक रोल निभा चुके हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कैसा महसूस कर रहे हैं, बड़ा टिपिकल सा। हाँ, ये टिपिकल सा सवाल है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि पत्रकारिता में भी एक सामाजिक सरोकार मायने रखता है। और जब आप राजनीतिक जीवन में आते हैं तो बगैर सामाजिक सरोकार के राजनीतिक जीवन शून्य हो जाता है, या कहें एकदम से सिफर रहता है। तो दोनों तरफ जन सामान्य से जुड़े मुद्दों के ऊपर काम करना, लिखना, पढ़ना, या फिर विषयों को उठाना, विषयों का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करना और जन संवाद रखना, जन संपर्क रखना, तो बहुत, हाँ, यहाँ पर एक बड़ी भूमिका है, बड़ा मंच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर पत्रकारिता में, मैं एक ट्रेडिशनल पत्रकारिता की बात बोल रहा हूँ, पत्रकारिता में जिस प्रकार की आजादी रहती है, उतनी आजादी तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल करियर में नहीं रहती, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हो, पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व का एक आपके ऊपर एक अंकुश रहता है, उस अनुशासन के तहत काम करना पड़ता है। लेकिन पत्रकारिता में, हमारे देश में खासकर, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक मान स्तंभ तैयार हुआ है, उस हिसाब से वहां ज्यादा आजादी है, यहाँ कम आजादी होती है। आपने आजादी की बात कही तो मैं पत्रकारिता वाले से ही शुरू कर देता हूँ। आज की डेट में संजय जी, आप तो शिवसेना का जो मुखपत्र था दोपहर का सामना, उसके संपादक भी रहे और बड़े जबरदस्त लेख उस समय आपकी तरफ से पत्र संपादकीय आते रहे। तो आज की डेट में राजनीतिक सवाल मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, पत्रकारों को लेकर या मीडिया को लेकर देखिए कहा जाता है कि आप तो पार्टीजन हो गया है, गोदी में जा बैठे हैं, कुछ गोदी मीडिया बताए जा रहे हैं, लेफ्टिस्ट एंटी मोदी, बीजेपी एंटी बीजेपी या प्रो बीजेपी बताए जा रहे हैं। आपके हिसाब से मीडिया का रोल आज आप क्या देखते हैं और क्या होना चाहिए बतौर पत्रकार? सिर्फ मैं नहीं मानता कि सिर्फ मीडिया और पत्रकारों में बदलाव हुआ है, पूरे समाज में बदलाव आया, पूरे समाज के सोचने के तरीके में बदलाव आया। तब देश आजाद हुआ, तब हमारे देश में जो एक प्रिवेलेंट किस्म की जो विचारधारा थी, वो सेकुलरिज्म की विचारधारा थी, और उसमें जो एक तड़का लगाया था वो कम्युनिज्म की विचारधारा ने लगाया। तो आप देखते होंगे कि 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, यहां तक कि 90s में भी, 90 के दशक आते आते तक, बुनियादी तौर पर बड़े बड़े जो पत्रकार होते थे वो या तो समाजवादी विचारों से प्रभावित होते, या साम्यवादी विचारों से प्रभावित होते थे, या फिर एक धर्मनिरपेक्ष वाले विचारों से प्रभावित होते थे। और अगर इन तीनों विचारधाराओं से अलग कोई व्यक्ति होता था तो वो अछूत माना जाता था, उसको सही पत्रकार नहीं माना जाता था। इसीलिए आरएसएस को पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर निकालना पड़ा था, और इसीलिए शिवसेना को सामना निकालना पड़ा था, क्योंकि तो मुख्य धारा की जो पत्रकारिता थी उसमें तथाकथित लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट और सेकुलरिस्टों का इतना बड़ा दबदबा था कि वो जो कहें वही सही है, और उनके विचारों के फ्रेम से बाहर निकल करके अगर कोई व्यक्ति कहे तो वो सही नहीं माना जाता। तो वो एकदम से फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, वो एक तरह के विचारधारा का दबाव था, या कह सकते हैं कि एक वैचारिक तानाशाही थी जर्नलिज्म में। अब ये सिर्फ जर्नलिज्म का दोष नहीं है, इसमें वो समाज भी इसी तरह से सोचता था। जब नेहरू जी
ने देश आजादी मिलने के बाद जब देश की बागडोर संभाली तो वो एक बड़े कट्टर किस्म के सेकुलर इंसान थे, और सेकुलर ही नहीं थोड़ा सा वो लेफ्टिस्ट भी थे। सेकुलर तो असली सेकुलर तो गांधी जी थे, लेकिन वो लेफ्टिस्ट नहीं थे, वो एक ऐसे सेकुलर थे जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात थी। लेकिन नेहरू जी इस प्रकार के सेकुलरिस्ट थे जिसमें वो अपने हिंदू धर्म के अस्तित्व की बात स्वीकार नहीं करते थे। इसके बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे आपको, इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि उनका जो बहुत तो वो जो विचारधारा थी वो उस समय की पीढ़ियों में धीरे धीरे समा गई, उनके रगों में चला गया। तो 50 के दशक में, 60 के दशक में सेकुलर होना मतलब एक तरह से वो था, एक मतलब एक तरह से तगमा हुआ करता था कि आप सेकुलर हैं तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वे बहुत उत्कृष्ट किस्म का मानवीय गुण उसको बोला जाता था। लेकिन अब मेरा मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि सेकुलरिज्म एक खराब विचारधारा नहीं, लेकिन जब तक ये सेकुलरिज्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं और किसी खास धर्म के पक्ष में नहीं है तब तक सही है। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब अगर प्रो माइनॉरिटी हो गया, या सेकुलरिज्म का मतलब एंटी मेजोरिटी हो गया, या बहुसंख्यकवाद के खिलाफ होना ही सेकुलर हो गया, तब मुझे लगता है ये गलत था। और इसको बहुत धीरे धीरे उस जमाने में बातें कही जाती थी, लेकिन कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो था वो सेकुलरिज्म में विश्वास करता था, जो नेहबियन सेकुलरिज्म जिसको मैं कहता हूँ, और पत्रकार जगत में भी और प्रेस जगत में भी उन्हीं लोगों का दबदबा था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खूब संघर्ष किया है, आरएसएस ने खूब संघर्ष किया है। एक जमाना ऐसा था जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को मीडिया में अछूत माना जाता था, जमाना ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारों को मानने वाले पत्रकारों को एक तरह से बहुत दुयम दर्जे का पत्रकार माना जाता था। लेकिन मोदी जी के आने, उसका बहुत संघर्ष हुआ है, वो बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा उन लोगों का। लेकिन मोदी जी के आने तक पूरे देश में सेकुलरिज्म की विचारधारा के ऊपर जो विश्वास था वो धीरे धीरे दरकने लगा, और दरकते दरकते एकदम से मतलब आज हालात में हैं कि जिस प्रकार से जो आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा वाले लोग पहले माइनॉरिटी में हुआ करते थे या छोटा ग्रुप हुआ करता था, आज एकदम पूरा टेबल टर्न हो गया है। आज सेकुलरिज्म की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग माइनॉरिटी में आ गए हैं, मतलब छोटा सा ग्रुप रह गया है। और मोदी जी की विचारधारा, या मैं कह सकता हूँ कि धर्म की स्थापनाओं को मानने वाले लोग, देखिए सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल यह है कि सबसे पहले आप धर्म के अस्तित्व को तो माने, और जब धर्म के अस्तित्व को मानेंगे तब आप राम और कृष्ण के अस्तित्व को मानेंगे, तब आप धार्मिक परंपराओं में विश्वास करेंगे। मैं अंधविश्वास की होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रूढ़ियों में विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरीतियों में विश्वास नहीं करता, मेरा एकदम विश्वास नहीं सब चीजों में। लेकिन धर्म है, और जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है, इस विचार में विश्वास करने वाले जो तथाकथित सेकुलर लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, मैं उनके खिलाफ और उनके बारे में कह रहा हूँ आपको। तो ये मोदी जी के आने के बाद ये पूरी सोच धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई, और आज हालात में है कि धार्मिकता, या धार्मिकता मतलब धर्मांतरता नहीं, सांप्रदायिकता नहीं, जो फेनेटिसिज्म होता है, जो कट्टरता होती है, जो धर्मांतरता होती है, जो सांप्रदायिकता होती है, बिल्कुल अलग विषय है। मतलब एक धर्म के नाम पर कट्टर हो जाना और दूसरे धर्मों से नफरत करना, ये एक अलग विषय है जिसका मैं खिलाफ हूँ, जिसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन धार्मिक होना पाप नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया धार्मिक है। क्या जो बाइडेन धार्मिक नहीं है? क्या ओबामा धार्मिक नहीं, नहीं थे? बस बस मैं उस वही आके खत्म कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे जो आपने कहा मीडिया के बारे में जो सवाल किया है आपने, तो वो आज मीडिया में ऐसे लोगों का दबदबा बढ़ा है, और जो फेक सेकुलरिज्म था जिसको सुडो सेकुलरिज्म भी कहा जाता है, उससे धीरे धीरे लोगों का मोह टूटा है। और इसलिए जब उससे मोह टूटा तो मोदी जी का जो वैचारिक प्रचार प्रसार है कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में लोग आ रहे हैं, और उस प्रभाव की वजह से जो आज का हमारा अपोजिशन वर्ग है वो उसको गोदी मीडिया ये कहता है कि मीडिया बिक गया या मीडिया बेईमान हो गया, इस आधार पर वो कहता है जो कि फैक्चुअली रॉन्ग। अब बताए आपने तो पूरा एक डिटेल से समझा दिया, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रही। जिनके मन में शक शंका शुभा है वो भी, मेरे को लगता है कि आप एक पत्रकार की भूमिका निभा चुके हैं, तो निराकरण हो गया। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस में अगर मैं पूछूं, क्या गोदी मीडिया कहना ठीक है लोगों को, या दूसरी तरफ उनका जो विरोध करते हैं उनके नाम ले लेना, यही क्या ठीक है पत्रकारिता के एंगल से अगर हम देखें? अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट शूट द मैसेंजर। मीडिया क्या है? एक मैसेंजर है, मैसेज दे रहा है।
आपको लड़ना है तो सत्ता में जो बैठे लोगों उनसे लड़िए ना, उनसे लड़ने के बजाय आप जिस तरीके से मीडिया में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को रिडिक्यूल करने लगे हैं, उनसे नफरत करने लगे हैं, उनको छोटा दिखाने लगे हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। और इससे भी आगे जा करके मैंने एक राहुल जी का देखा भाषण सुन रहा था मैं टीवी पे, जिसमें वो कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान वो अपने रथ पर से बोलते बोलते एक पत्रकार जो उनको इंटरव्यू कर रहा था उससे पूछने लगे तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम ओबीसी है, तुम्हारा मालिक ओबीसी है। हाँ मैं मतलब वही इस तरीके से मीडिया के लोगों के साथ मिसबिहेव करना, जो व्यवहार करना, मुझे लगता है कि कम से कम सभ्य समाज की परंपरा के खिलाफ। चलिए इसको लेकर कुछ और बाद में जब मैं इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में जाऊंगा तो आपसे बात करूंगा। अभी पॉलिटिकल चीजों पर आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आप अभी जिस पार्टी में थे उनका कांग्रेस का और जो बाकी दल है उनका मिला के महाविकास अगाड़ी या कह लीजिए कि इंडी गठबंधन थे, तो इंडी गठबंधन ने जो मंसूबे बांधे थे जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी, आपको क्या लगता है कि वो प्रैक्टिकल थी या उसमें कुछ ज्यादा ही एग्जेगरेट हो गया था मामला? एक्सेगरेट से ज्यादा ज्यादा अच्छा शब्द है कि वो डिसइंटेग्रेट हो गया भाई। कई अलग अलग अपोजिशन पार्टी के लोग मिलते रहे हैं, गठबंधन बनाते रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र की परंपरा रही। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कभी जनता पार्टी भी बनी थी, कभी समाजवादियों का इस तरह का गठबंधन बनता था। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उनके सहयोगी सत्ता में है, तो उसके खिलाफ उनसे सहमत नहीं होने वाले लोग अपना गठबंधन बना सकते हैं, ये गलत नहीं है, मैं इसमें इसको दोष नहीं देता हूं। लेकिन उसको बनाते समय उनके बीच इतने मतभेद थे, इतना मतलब थोड़ा सा भी कोहेसिवनेस नहीं था, सामंजस्य नाम की कोई चीज नहीं थी। और उसका नतीजा यह निकला कि इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन बनते बनते बिखरता चला गया। आज हालात ये हैं कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कहती हैं कि इंडिया गठबंधन यहाँ नहीं है, दिल्ली में है, यहाँ कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट जो बहुत पुराने एक दूसरे के सहयोगी माने जाते रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे खड़गे जी हों या राहुल जी हों या स्वयं सोनिया जी हो या प्रियंका जी हो, ये सभी लोग लेफ्ट के नेताओं के साथ मंच शेयर करते हैं इंडिया गठबंधन के नेता होने के नाते। लेकिन केरल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती, मतलब यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ भी लेफ्ट का उम्मीदवार है वायनाड, लेफ्ट की उम्मीदवार है वायनाड में। तो कहने का आशय ये है, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, दिल्ली में इन्हें गठबंधन किया, शायद हरियाणा वगैरह में भी कोई किसी प्रकार का गठबंधन किया, लेकिन जहां इनकी दूसरी सरकार है पंजाब में, वहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जब केजरीवाल जी जब जेल जाते हैं शराब घोटाले में, तब दिल्ली के नेता लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं और पंजाब के जो कांग्रेस नेता हैं वो मिठाइयां बांटते रहते हैं। तो ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो बस ये है कि फॉर द टाइम बीइंग तात्कालिक तौर पर सीट शेयरिंग अरेंजमेंट है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। और इस बात को बहुत अच्छे ढंग से देश के मतदाता और जो हमारे सभी मतदाता हैं तो समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो मुझे जो आपने बोला एग्जेजरेट कर रहे हैं, उनकी शुरुआत ठीक थी लेकिन वो शुरुआत में इतने दोष थे, इतने छीदे थी। मैंने खुद इंडिया गठबंधन का जो कॉन्क्लेव हुआ था मुंबई में, तो उसके 5 लोगों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं एक हिस्सा था और हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन उसी समय लगा कि जब पूरी मीटिंग होने के बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय था तो कहीं ममता बनर्जी पहले चली गई, तो ये पहले चले गई, ने ये बोला, उन्हें वो बोला, तो कुल मिलाकर के बहुत मतभेद हैं। नीतीश कुमार जो जिन्होंने इस पूरे कसरत की शुरुआत की थी और जिन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, वो खुद मुंबई आए थे, दिल्ली गए थे, चेन्नई गए थे, बंगाल गए थे, आखिरकार वो उनको उनकी उनकी इच्छा थी कि उनको कन्वेनर बनाया जाए या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी वो है, शातिर पार्टी है, कि उन्हों उनका वो पहले नीतीश कुमार का उन्हें इस्तेमाल किया और एक गठबंधन बनने दिया और उसके बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया और आखिरकार वापस चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ी दोषी है, हिंदी गठबंधन या इंडिया गठबंधन को एक सही रूप या आकार लेने देने में कांग्रेस पार्टी फेल की, खुद भी फेल हो गई और उसने इस गठबंधन को भी फेल कर दिया। निरुपम जी, आप अब उस पार्टी से अलग होकर आए हैं तो विश्लेषण जाहिर सा है, लेकिन जब आप
इंडी गठबंधन का पार्ट थे, आपको ये बड़ा अजीब नहीं लगता था जो आपने अभी बातें कही कि भाई ये गठबंधन है ही नहीं कुछ? गठबंधन के का प्रयास अच्छा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। जब नीतीश कुमार ने पहली मीटिंग बुलाई पटना में, तो लगभग मेरे ख्याल से 20-एक पार्टियों के लोग गए थे, और वहां पर एक बड़ा अच्छा, लोगों ने कहा कि भाई देखो, देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है और लोकतंत्र को समृद्ध रखना है, हम अगर चाहते हैं कि लोकतंत्र फलता फूलता रहे, तो निश्चित तौर पर जितना मजबूत सत्ता पक्ष है उससे थोड़ा कम ही सही, लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। तो विपक्षी गठबंधन की जो कवायद शुरू हुई थी उसकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। उसके बाद दूसरी मीटिंग मेरे ख्याल से उनकी बैंगलोर में होती है, वो भी एक ठीक ठाक मीटिंग थी, तब नई नई सत्ता आई थी, और भी अच्छी मीटिंग हुई थी। उसके बाद से वहां जो उन्हें इंडिया गठबंधन नाम दिया, वहां से जो एक बिखराव शुरू होता है, कहते हैं कि स्वयं नीतीश कुमार इस नाम के खिलाफ हैं, और बगैर किसी प्रकार की सहमति बनाए इस नाम को इम्पोज किया गया सभी नेताओं से, और वहीं से नीतीश कुमार खिटकने लगे या चिटकने लगे। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षी गठबंधन की प्रक्रिया तेज करना गलत नहीं है, सबको करना पड़ेगा। कल को अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी अपोजिशन में आ जाएगी, तो उसको कभी ना कभी किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस के खिलाफ या जो भी उस समय सत्ता में रहेगा उसको करना चाहिए। और ये एक लोकतांत्रिक वह है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करना ये उस समय के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है, और नेताओं में, आज के नेताओं में बहुत कमी है, उनमें कहीं ना कहीं सूझबूझ की कमी दिखेगी। संजय जी, जैसे अब आपका एक बड़ा रिच पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो गया कितने सालों का, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको मतलब विस्तार से बताइएगा, उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। महाराष्ट्र की जनता, मैं अगर कहूँ एट लार्ज, देश की जनता भी बड़ी कंफ्यूज है। ये जो गठबंधन है, एक तरफ है कांग्रेस प्लस एनसीपी वर्सेस बीजेपी प्लस शिवसेना। अब शिवसेना भी दो है, उधर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं पटोले साहब, नाना पटोले जी, वो पूर्व बीजेपी के रहे हैं, तो पब्लिक बड़ी कंफ्यूज है कि वो इधर जाए कि उधर जाए। बड़ी गलियां जो है वो जंतर मंतर जैसा, वो मतलब भूल भुलैया जैसा हो गया। तो आज जरा क्लियर करिए, आपके पास तो बैरोमीटर है पॉलिटिकल, क्लियर करिए उसको जरा। देखिए 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान आया जिसमें शिवसेना में भयंकर बिखराव हुआ। उस तूफान की बुनियाद रखी गई थी 2019 में, वो एक छोटा सा तूफान था, और उसमें ऐसा हुआ कि पहली बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा साथ में चुनाव लड़ते रहे हैं और साथ में लोगों से वोट मांगते रहे हैं और साथ साथ मिलके अगर सत्ता में आए तो सरकार बनाते रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ था कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने और जीतने के बाद बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं, मैं पहला और अकेला व्यक्ति था उस समय कांग्रेस का जिसने विरोध किया था कि यह गलत हो रहा है, ये शिवसेना से कांग्रेस को हाथ नहीं मिलाना चाहिए, इसमें शिवसेना का भी नुकसान है कांग्रेस का भी नुकसान है, कहता रहा। उसकी सजा मैंने कांग्रेस में भोगी है, और उसकी परिणति ये हुआ कि आखिरकार मुझे कांग्रेस से निकाला गया या मैं खुद निकल गया, जो जो भी मान लो, लेकिन मैं तब से कह रहा था कि ये गलत हो रहा है। और तो 2022 आते आते वो जो गलती थी वो और भी बड़ा रूप लेकर के निकल के आती है, जब उद्धव ठाकरे की अति महत्वाकांक्षा के विरोध में या उनके पुत्र मोह के विरोध में शिवसेना में एक भयंकर स्प्लिट होता है, और लगभग 50-एक एमएलए छोड़ करके चले जाते हैं एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने, और इसका मतलब शिवसेना को हिस्से में बढ़ गई। फिर उसके कुछ ही महीनों के बाद फिर एनसीपी में जो अजीत पवार जी जो एक बहुत ही मजबूत नेता है ग्रामीण स्तर पर, उन्होंने शरद पवार जी की जो पुत्र का जो पुत्री मोह है, और शरद पवार जी की जो अपने एक क्या बोलते फ्लिप फ्लॉप जो उनका एक तो पॉलिटिक्स रही, कभी इधर कभी उधर, और दोनों नाव पे पैर रख करके चलने वाली जो उनकी राजनीति प्रारंभ से रही है, उसके खिलाफ उन्हें विद्रोह किया और एनसीपी में भी स्प्लिट हो गया। अब जो आप नाना पटोले की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी से आकर के अचानक अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अशोक चौहान जैसे जो स्थापित नेता थे वो बड़े असहज महसूस कर रहे थे, और वो धीरे धीरे अपना मैसेज दे भी रहे थे हाईकमान को, लेकिन वहां सुनने को कोई तैयार नहीं था। उनको उनके अंदर पटोले जी के लिए कुछ विशेष प्रेम था, जिसकी वजह से कांग्रेस में
मतलब ये बिखराव धीरे धीरे दिखने लगा। तो अब ये सब कुछ जो हुआ है उसका जो पहला टेस्ट है, उसकी पहली परीक्षा कह सकते हैं, उसका पहला राजनीतिक इम्तिहान जो है ये लोकसभा इलेक्शन। पहली ये बार महाराष्ट्र के राजनीतिक पब्लिक के सामने बड़ा गड्ढम गड्ढम हो गया। मतलब वो तो बेचारे सिर खुजलाने लगेंगे, करें तो करें क्या, इधर के उधर। नहीं, हमारे यहाँ हमारे देश में जो पब्लिक है, जो वोटर है ना, उसको इतना कम मत आंकिए, बहुत शार्प होते हैं, नहीं बहुत कम नहीं आंक रहा, आप लेकिन कंफ्यूज हो गए थोड़ी देर के। कंफ्यूज नहीं है, उनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और किसने पुत्र मोह में क्या किया, किसने पुत्री मोह में क्या किया, किसने जोर जबरदस्ती और सही मायने में पार्टी के अंदर एक तानाशाही रवैया अख्तियार किया, वो देखते हैं, सब देखते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं और भाप लेते हैं सच क्या है। तो अब जो इम्तिहान है लोकसभा का या चुनाव, इस इम्तिहान में पता चलेगा कि सही हुआ कि गलत हुआ। तो अब पता चलेगा कि कांग्रेस का वोट शिवसेना यूबीटी के पास जा सकता है क्या, या शिवसेना यूबीटी का वोट कांग्रेस के पास शिफ्ट हो सकता है क्या। शरद पवार की, जिन्होंने पहली बार शिवसेना यूबीटी के साथ अलायंस किया, उनको यूबीटी का वोट मिल रहा है क्या, जो शिवसेना का ट्रेडिशनल वोट रहा है, जो बाला साहब को के नाम पर जो वोट क्रिएट हुआ, या फिर कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट है वो शिवसेना के पास शिफ्ट हो रहा है क्या। ये पहली बार इस चुनाव में पता चलेगा, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो स्प्लिट हुआ, ये जो गडम गडम गड्ढा जो हुआ है, ये जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन में आखिर अंतिम जो धारा क्या है, कौन सी धारा बह रही है, वो धारा पकड़ में आ सकती है। तो लेकिन आज इस समय कहना कि संजय जी, मैं और सवालों पे जा रहा था, लेकिन आपकी बात से दो सवाल निकल आए, छोटा छोटा आंसर दीजिए, मैं पूछ ही लेता हूं उनको कि देखिए, आपको कांग्रेस छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि वो आपको नॉर्थ मुंबई। 10 मिनट में करता हूँ, सॉरी सॉरी आपको वो नॉर्थ मुंबई की सीट में एमपी की दे रहे थे, सेक्रेटरी है, नेशनल स्पोक्सपर्सन आप थे, तो सॉरी, लोग जानना चाहते हैं, बड़ा ब्रीफ में आंसर लूंगा, क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस को। प्राइमरीली मैं नॉर्थ वेस्ट मुंबई में रहता हूँ। नॉर्थ वेस्ट मुंबई में पिछली बार चुनाव लड़ा था, और पूरे 5 साल चुनाव हारने के बाद भी बगैर किसी दुख और दर्द के मैं चुनाव क्षेत्र में जबरदस्त काम कर रहा था, और मैं एक सीनियर मोस्ट था, और मैं ज्यादा पॉपुलर था, ज्यादा पकड़ थी, और डेमोग्राफिकली भी मेरे लिए बहुत अच्छा सब कुछ था, एक फेवरेबल था। इसलिए मैं कांग्रेस से आग्रह कर रहा था कि नॉर्थ वेस्ट की सीट आप शिवसेना के लिए मत छोड़ो, और शिवसेना जिसको मैं छोड़ करके बहुत पहले आया था, उन लोगों ने ऐसा तय कर रखा था कि इस बार संजय निरुपम को हम हैरास करेंगे, परेशान करेंगे। तो मैं अपने लीडरशिप की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहा था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, मैं शिवसेना छोड़ के आया हूँ, आज मुझसे बदला लिया जा रहा है और मेरे लिए फेवरेबल सीट है, ये मुझे दीजिए। नॉर्थ मुंबई से मुझे नहीं लड़ना था, मैं एक बार लड़ा था, बड़ी मुश्किल जीता था, उसके बाद पूरे 5 साल काम करने के बाद भी मुझे बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया गया था। तब से मेरा मन नॉर्थ मुंबई से टूट गया था, लोग मुझे कहते थे कि आप यहाँ आइए लड़िए, मेरा विश्वास नहीं था नॉर्थ मुंबई में चुनाव लड़ने के ऊपर, इसलिए भी कि वो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक वो है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर, लगातार 2 चुनाव से 4 लाख का मार्जिन रहा है, तो मैंने कहा क्यों, वहां मैं हारने नहीं जाना चाहता हूँ, हाँ यहाँ मुझे जीतने की उम्मीद है और मैं इस बार जीत सकता हूँ ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने मैंने आग्रह किया, कांग्रेस पार्टी ने मेरे इस आग्रह को मान सम्मान नहीं दिया और आखिरकार एक या दो सेंटेंस में आपने तो रख दिया, आपको लगता है आपने ठीक डिसीजन किया कांग्रेस छोड़ के, एंड यू आर हैप्पी विद शिंदे शिवसेना। अच्छा डिसीजन है मेरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी को जो लोग चला रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, वो इतने आत्म केंद्रित हैं और वो इतने स्वार्थी हैं, वो बस अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, पार्टी बचाने की चिंता किसी को एक सवाल मैं पहले पूछ लूं, उसके बाद दूसरे पे आता हूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि निरुपम जी ने अगर छोड़ी ही नहीं। तो शिवसेना, बाला साहब के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, तो उसी पार्टी, उनके बेटे की पार्टी में क्यों नहीं गए, या फिर अगर राजनीतिक लाभ देखना था तो सीधा बीजेपी में आते। सवाल राजनीतिक लाभ का नहीं था, मैं जहां हूं वो सही शिवसेना है, असली शिवसेना इस समय एकनाथ शिंदे जी चला रहे हैं। बाला साहब ने प्रारंभ से ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बोला था ये कांग्रेस के लोग स्काउंड्रल्स हैं। स्काउंड्रल्स का मैंने हिंदी में और उर्दू में उसका मैंने गूगल सर्च किया कि इसका अर्थ क्या होता है,
तो बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आपत्तिजनक शब्द है, लेकिन चूंकि मैं कोट अनकोट मेरा वर्ड नहीं है तो आप यूज कर सकते। तो बाला साहब नहीं कहते थे रहने कांग्रेस रहने दे, वालों वो तो सब डिक्शनरी में देख ही लेंगे, आप अपने मुंह से क्यों निकालते हैं। तो जिस उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके बीजेपी को धोखा दिया, बीजेपी के साथ के तमाम वोटरों को धोखा दिया और बाला साहब को धोखा दिया, ऐसे उद्धव ठाकरे के साथ मुझे नहीं जाना था। और मेरे विचार से असली शिवसेना वही है जो बाला साहब के विचारों के हिसाब से एक एक हिंदुत्व के आधार पर गठबंधन करके सरकार चला रही है, इसलिए एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में शामिल। संजय जी आप वहीं बैठे हैं तो ये बड़ा रेलेवेंट सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने बाला साहब की बात भी कर दी, एनसीपी की बात भी कर दी, असली शिवसेना भी। देखिए शिवसेना को जिसको आप असली बता रहे हैं, मैं उसका कोई फैसला नहीं कर सकता। उसकी एक रेलगाड़ी लेकर शिंदे साहब निकल आए, अजीत पवार जी एनसीपी में से अपनी नौकरी निकाल के ले गए। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के पास और शरद पवार जी के पास क्या बचा है? उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के पास उनका एक अपना नाम है, पहचान है, लेकिन काम नहीं है। लोग पूछेंगे कि भाई, जैसे शरद पवार जी को ले लीजिए, शरद पवार जी 80-85 साल हो गए लगातार राजनीति में, इस बीच उनने क्या क्या गुल खिलाए हैं पूरा देश जानता है, पूरा महाराष्ट्र तो बखूबी जानता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कहना पड़ेगा कि बस अब बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब मैं रिटायर होता हूँ और नए जनरेशन के हाथ में देता हूँ। ये शरद पवार जी नहीं किया, इसलिए जो महाराष्ट्र का नया जनरेशन है, खासकर 40 और 50 के बीच से लेकर के अभी तक के जो बलून है, वो शरद पवार के इन हरकतों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं। उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से बाला साहब के विचारों के खिलाफ जा करके कांग्रेस से हाथ मिलाया, उससे भी उनका अपना वोटर निश्चित तौर पर नाराज है। तो इस इलेक्शन में उनको कितने वोट मिलते हैं, कितने लोग उनके साथ खड़े रहते हैं उनके इस दोषपूर्ण निर्णय से, यह देखने का वक्त है। यह देखने के बाद सही होगा कि सही कौन था गलत कौन था। आज कहना मुश्किल है कि इन दोनों के पास बहुत सिंपैथी है और बहुत वोट मिल रहे हैं। आज ये सारी बातें सिर्फ मीडिया में चलाया हुआ एक हाइप है, इस हाइप पर मैं विश्वास नहीं करता। सच पता चलेगा नतीजे आने के बाद। अच्छा एक सवाल मैं विकास पर भी कर लेता हूँ, क्योंकि पब्लिक के पास तो आप विकास के नाम पे जाते हैं, उनको वही चाहिए। अभी वहां पर जहां आप हैं मुंबई में, वहां पर एक कोस्टल रोड बनी है और अटल सेतु बना, पोल्यूशन के लेके भी काम हुआ है। अब विकास के और किन कामों पर आप लोगों का ध्यान है, वहां की सरकार का ध्यान है, क्या क्या करने जाने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल से जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने काम काज को बहुत गति दी। सर्वप्रथम जो अटल सेतु है, यह तो मेरे ख्याल से 80s में कांग्रेस की सरकारों ने इसको इसकी इसकी कल्पना ली थी, कल्पना बनाई थी, मतलब इसको विजुलाइज किया था। 80s से लेकर के 2015 तक ये काम आगे बढ़ा ही नहीं। 2015 में कहीं जब फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया, और जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं एकनाथ शिंदे, इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो बहुत तेजी लेते हैं। और आखिरकार जो एक अटल सेतु सपना था, 22 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर एक पुल, वो बनाना अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम था, और ऐसा मुंबई के लोगों को लगता था कि हमारे लिए एक सपना है, उस सपने को शिंदे जी ने साकार किया। कोस्टल रोड आधा बन गया, अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है, लेकिन ये भी सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के ही लेवल पे कांग्रेस की सरकारों में हुआ करता था, जिसको इन्होंने जमीन पर धरातल पर उतार करके दे दिया। इसके अलावा शिंदे जी जो एक डीप क्लीनिंग का प्रोजेक्ट चलाते हैं पूरे मुंबई में, साफ सफाई हो, क्योंकि बगैर साफ सफाई के इंसान का जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता। वो खुद बैठ करके डीप क्लीनिंग करने वाली मशीनों को चलाते नहीं, हैं बारिश और के वो दिनों में, अलग, खासकर बारिश के दिनों में जो लोग तंग होते हैं, भर जाता है वो मीठी नदी के अंदर कचरा और घुटने घुटने पानी, इसका कुछ ये ना आप। देखिए, बारिश तो एक प्राकृतिक आपदा है। जब बारिश होगी तो गटर जाम होंगे, हाँ उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था में दोष था, उस दोष को इन्हें दूर किया। दूसरा, लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड बनाया जा रहा है। कंक्रीट रोड का मतलब क्या है, पहले हमारे यहाँ जो एक बिटुमिन का रोड होता है, जिसको हम महाराष्ट्र में डांबर कहते हैं और यूपी बिहार में उसको अलकतरा कहते हैं, तो अलकतरे का रोड जो था ना, हर बारिश में, बारिश की पहली बारिश में वो रोड बह जाता था, और आप सुनते होंगे कि मुंबई में पॉटहोल्स ही पॉटहोल्स हो गए। तो
हम लोगों ने कई बार डिमांड, 2010 में जब पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे तब मैं एमपी था, तब मैंने खुद एक लेटर लिखा था, कहा था कि मुंबई की सारी सड़कों को आप कॉन्क्रीटाइज करिए, लेकिन तब नहीं सुना। क्यों? क्योंकि बीएमसी में जो बैठे हुए लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो चाहते हैं कि हर साल पॉटहोल हो और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, उसमें कमीशन खाया जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, सबसे पहले मुंबई की तमाम सड़कों को 6,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करके कॉन्क्रीटाइज करने का काम शुरू करते हैं। और आज मुंबई में कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ मुंबई मुंबई रोड एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हो सकता है अगली बारिश तक पूरी सारी सड़कें तो नहीं शायद बन पाएंगी, लेकिन जितनी सड़कें बनेंगी उसमें पॉटहोल अब देखने को आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो यह सरकार विकास पर बहुत जोर दे रही है और इस विकास के आधार पर ही लोगों के बीच जाकर के वोट भी मांग रही है। और जनता को भी विकास चाहिए, तो बहलाने फुसलाने वाली भड़काने वाली बातों का कोई अर्थ नहीं है, इमोशनल बातों का कोई अर्थ नहीं है। इमोशनल बातें कर करके लोग चुनाव जीतते रहे, यही वजह है कि हम विकास से बहुत ज्यादा पीछे छूट गए। अब जब विकास को आगे रखना है, फ्रंट पे रखना है, तो जो लोग विकास का काम करें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वर्तमान सरकार निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में जबरदस्त विकास का काम कर रही है। निर्भम जी, आप बड़ा छोटा सा आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपने सरकार की तारीफ की और आप जुड़ भी गए इनके साथ, उपनेता तो आप बना दी गए पार्टी में, लेकिन क्या रोल आने वाले दिनों में आपको और इम्पोर्टेंट मिल सकता है? छोटा आंसर इसका, ये मुझे नहीं मालूम है, मैंने बिना किसी शब्द के, या मैं कहूं कि आप क्या रोल चाहते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँ, जो पार्टी तय करेगी वो रोल निभाया जाएगा। फिलहाल तो चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, तो चुनाव प्रचार में हम हिस्सा ले रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं जहां जहां बुलाया जाता है। और आगे क्या करना है ये हमारे पार्टी के जो प्रमुख हैं इस समय एकनाथ शिंदे जी, वो तय करेंगे, और उनकी वो जो जिम्मेदारी देंगे जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इमोशनल सा सवाल है, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, बाला साहब ठाकरे या अटल जी या आज की डेट में मोदी जी? ऐसा नहीं, मतलब देखिए, जब इंसान जब अपने आप को शेप अप करता है, जब इंसान जब कुछ सीखना चाहता है, तो ऐसा नहीं कह सकते किसी एक किताब से हमने सब कुछ सीखा है, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति से प्रेरणा लेकर के मैं बना, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक सिनेमा से मैं प्रभावित हूँ, ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही गाना मेरे लिए सबसे प्रिय है या फेवरेट है। कई गाने हो सकते हैं, कई व्यक्ति हो सकते हैं। निश्चित तौर पर मेरी जो राजनीतिक शुरुआत हुई वो बाला साहब जी के हाथों हुई थी और बाला साहब जी की प्रेरणा से हुई थी। तो बाला साहब जी के विचारों का तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर है, मेरे रगों में है उनका विचार। और अटल जी का नाम लिया आपने, अटल जी का वक्तित्व एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से वो यूनाइटेड नेशन में जाकर के हिंदी में भाषण देकर आते थे, हम उसको कॉलेज में पढ़ते थे और उनके बारे में सुनते थे, तो बड़ा गर्व होता था, फख्र होता था। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके साथ काम करने का पार्लियामेंट में मुझे जबरदस्त अनुभव है। 2004 तक होते, 2005 तक मैं एमपी था, तो उस दरमियान जब वो प्राइम से पहली बार बनते हैं, दूसरी बार बनते हैं, तीसरी बार बनते हैं, लगातार मैं पार्लियामेंट में था और उनको बहुत करीब से काम करते हुए देखा है, तो निश्चित तौर पर उनका भी प्रभाव है। और आज नरेंद्र मोदी जी की अगर आप बात करें, तो एक व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से सत्ता के शिखर पर बैठा है और लगातार काम कर रहा है, बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रहा है और लगातार उनका विरोध भी हो रहा है, लेकिन जन सामान्य में उनके प्रति किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी जाती। कोई व्यक्ति मोदी से नफरत करते हुए, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो नफरत करेंगे, पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनका एक मतभेद होगा, वो मतभेद कभी ना कभी नफरत का रूप धारण करने लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। मतभेद को मतभेद ही रहने देना चाहिए, लेकिन जन सामान्य में आज भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है वो जबरदस्त है। वो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेरणा देती है कि अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो आपका आचरण हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप कितनी भी सत्ता में रहें लोग आपको प्यार करते रहे। तो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ जो एक जन सामान्य में प्यार और मोहब्बत और लगाव है वो असामान्य है, और वो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत प्रेरणा देता है। संजय जी, आपने कहा कि मोदी जी काम कर रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है, मैंने इसलिए सवाल पूछ लिया था कि क्या फिर आपको लगता है कि उनका जो एक नारा है, अब की बार 400 पार आपको लग रहा हो जाएगा? मैं नहीं बोल सकता, मतलब एक हो गया कि भाई बीजेपी से हाँ में हाँ मिलाना है तो बोलना है, क्योंकि तो मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा है ही नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सर्वे है नहीं। हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी ही जाएंगे। अब उनका बीजेपी के पास कितनी सीटें होगी, उनके सहयोगी दलों के पास कितनी सीटें होगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ किसी प्रकार की कोई लहर नहीं है, जो है बहुत थोड़ी सी मात्रा में है।
और उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से प्रचार अभी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के सभी लोग, वो निश्चित तौर पर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छी खासी सीटें लेकर के वो आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 400 पार गठबंधन की हो ना हो, बीजेपी को मेजोरिटी मिल जाएगी प्रधानमंत्री होने लायक। 400 ना हो, एक बार रुकिएगा, एक बार रुकिएगा। हेलो, हाँ हाँ बोलो 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 मैडम, बोलो मैडम। एक पांच 10 मिनट फोन करूं, मैं एक इंटरव्यू में गया है। कर 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 सॉरी 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 बॉस, आप इसको एडिट कर लीजिएगा। हाँ सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, माफ हो करिएगा। जाएगा, एडिट हो जाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, अर्जेंट कॉल। तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे, मेजोरिटी मिल जाएगी। यहां से एक सवाल मैं ये उठाता हूं कि जो पिछले कुछ दिनों माधवी लता जो तेलंगाना से चुनाव लड़ रही हैं, उनके प्रचार में नवनीत राणा ने कहा कि ओवैसी जी के यहाँ 15 मिनट की बात हुई थी तो 15 सेकंड की बात, फिर ओवैसी जी ने फिर गुस्सा उगला। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव ये बहुत जरूरी है? इस तरह की चीजें दोनों तरफ से कहूंगा, बहुत जरूरी होती है बिल्कुल चीजें पब्लिक। नहीं कहना चाहिए इस तरह की बातें। ओवैसी के जो छोटे भाई हैं उन्होंने जो बातें कही थी वो भी गलत थी, और उसके रिएक्शन में जो बातें कही थी ये भी गलत थी। 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम ये करते हैं, 15 सेकंड पुलिस हटा, इस तरह की बात का क्या अर्थ है? हम रचनात्मक विषयों पे बात करके लोगों से वोट मांग सकते हैं, और लोग तैयार है सुनने के लिए। लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें सुनने के लिए तैयार नहीं, और इस तरह की बातें करने के हम उस समाज को खत्म कर देंगे, इस समाज को खत्म कर देंगे। आखिर इस विदेश की आवश्यकता क्या है? लोकतंत्र अगर मजबूत होगा, समृद्ध होगा, और लोकतंत्र अगर 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 अगर, अगर ठोस होगा, तो तब जब विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न समुदायों में एक बड़ा अच्छा सामंजस्यपूर्ण रिश्ता होगा, अगर उनके बीच प्रेम और मोहब्बत होगा, हम जितने एक दूसरे से प्रेम करेंगे उतना ही देश मजबूत होगा, जितना देश मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र यहाँ पर एक वो करेगा, विकसित होगा। तो इस प्रकार की बातें चुनाव के दरमियान में न करना बेहतर होगा। लास्ट के दो सवाल पूछता हूँ। आपने कहा उनको मेजोरिटी मिल जाएगी और वो बना लेंगे, 400 पार होने। महाराष्ट्र से कितना आपको लगता है कि सीटें गठबंधन को आपका और बीजेपी का जो कितनी सीटें निकालेंगे? अच्छी खासी जीत होगी, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इस प्रकार का कोई पर्सनल सर्वे या नहीं है, और दूसरे लोगों के जो सर्वे सुन करके उसके भरोसे कहना अच्छी बात नहीं होगी, कि सब आजकल जो सर्वे करने वाली एजेंसियां वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से सर्वे करती हैं, हर अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों को खुश करने के लिए एक रिपोर्ट देती हैं, तो उन बातों में नहीं जाऊंगा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी, अजीत पवार जी तीनों मिलकर के जो सरकार चला रहे हैं, और उसके पीछे जो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो एक माहौल है महाराष्ट्र में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक ठाक सीटें आएंगी। जो एक महाविकास अघाड़ी या फिर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस और शरद पवार का जो एक सपना है कि वो बहुत बड़ी जीत लेके लेगा, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है 40 के 40 48 में से 40 एक सीटें ये हमारे एनडीए के लोग लेके आ जाए, मुझे ऐसा दिख रहा है। हाँ।